force between two infinitely long straight parallel conductors carrying current, rather. Carrying current. तो क्वेश्चन ऐसे है, आपने इससे पहले पढ़ा कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसको प्लेस करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में, सो दैट कंडक्टर एक्सपीरियंस है फोर्स, ठीक है ना, वो आपने एक्सप्रेशन निकाली है। तो उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स है, पैरेलल भी हो सकते हैं नॉन पैरेलल, लेकिन हमने पैरेलल कंडक्टर्स लिए हैं, ठीक है, तो दे आर कैरिंग करंट बोथ ऑफ देम, ठीक है ना, तो इसमें भी करंट चल रही है, चलो सपोज करते हैं आई वन, इसमें चल रही है आई टू, इनफाइनिटली लॉन्ग कंडक्टर्स है, पैरेलल कंडक्टर्स, कैरिंग करंट, तो दे एक्सपीरियंस फोर्स ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, क्यों करते हैं उसका आंसर भी देंगे, लेकिन कितना फोर्स इनके बीच में है तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, ठीक है। अच्छा, अब मसला है कि ये फोर्स क्यों एग्जर्ट करते हैं एक दूसरे पर, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, दैट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द टू कंडक्टर्स, लेकिन ये पहली बात में देखते हैं ये क्यों एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है तो बिल्कुल उसी से आंसर मिलेगा। तो हमने क्या देखा इससे पहले, जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं, हमने देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कंडक्टर कैरिंग करंट, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया है हमें उसे लेने देना नहीं है, तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, नो दैट कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स। तो ये लेक्चर आपने पढ़ा है और आपने वो एक्सप्रेशन भी निकाली है, थोड़ा आपको याद दिलाता हूं, आपने ये पढ़ा है कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपको ये भी बताया कि ये क्या शो करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में है, इसमें आपने एक कंडक्टर रखा, तो दिस कंडक्टर इज कैरिंग सर्टेन करंट से आई, देखिए आप ये क्वेश्चन आपने किया है, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पर कुछ एंगल है बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये कंडक्टर जो है, अगर इसमें करंट चल रही है, दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सप्रेशन आपने निकाली है, आई, वेरी गुड, एल, बी एंड साइन थीटा, आप देख सकते हैं एक दो लेक्चर आप पीछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपने किया है, वेयर आई इज करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, ठीक, एल इज लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, बी इज मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड, एंड थीटा जो है ये बेसिकली एल और बी के बीच में एंगल है, यहां आप बताएंगे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, ठीक है। तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें से मुझे सिर्फ ये पॉइंट चाहिए कि कोई भी कंडक्टर, लेकिन जब उसमें करंट चलती है ना, अगर वो हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना, गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब आ जाइए यहां पर, पहले हम लेंगे ये वाला कंडक्टर लेफ्ट साइड, इसमें करंट चल रही है आई वन, तो जब इस कंडक्टर में करंट चल रही है ना, तो ये अपने गिर्द क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्योंकि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट्स एज अ मैग्नेट बिकॉज ऑफ फॉरस्टर्स एक्सपेरिमेंट, ये तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है ना। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अपने गिर्द बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, अब ये वाला कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, सीधी बात, ठीक। तो जब ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो बन गया ना वही वाला क्वेश्चन कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले ये कंडक्टर कैरिंग करंट आया, ये बनाएगा अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी आपको पता है एक स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स में, तो इस कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला कंडक्टर आएगा करंट के, तो दैट इज वाई ये वाला कंडक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो दिस इज एक्सपीरियंस फोर्स, तो ये वाला कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डायरेक्शन वगैरह क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब रिवर्स में जाते हैं, अभी हमने बता दिया दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और ये कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, अगर हम इस कंडक्टर की बात करेंगे तो ये वाला कंडक्टर भी करंट कैरी कर रहा है, अब इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा, अब ये कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड में आया तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सो दैट्स व्हाई कि ये जो दो पैरेलल कंडक्टर्स है कैरिंग करंट, नो दे गेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर, ये बनाता है मैग्नेटिक फील्ड अपने गिर्द और ये कंडक्टर आता है इसके मैग्नेटिक फील्ड में,
ये बनाता है अपने लिए मैग्नेटिक फील्ड और ये कंडक्टर आता है इसके मैग्नेटिक फील्ड, तो क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। तो अब ये दोनों कंडक्टर जो है ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, है? तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ गए सो दे एक्सपीरियंस फोर्स ऑन ईच अदर। और वही हमें देखना है एक्सप्रेशन कि जब ये दो पैरेलल कंडक्टर्स है कैरिंग करंट दे विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑन ईच अदर, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब उस फोर्स के लिए हमें एक्सप्रेशन वैल्यू करनी है कि इन दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में जो करंट कैरी कर रहे हैं जिनके बीच में डिस्टेंस आर है तो इनके बीच में ये जो फोर्स है कितना होगा वो हमें वैल्यू करना है, ठीक है। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला ही क्वेश्चन जब आपने बायोट सर्वेट ला पढ़ा है उसके बैल वाला पहला ही क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर, दिस ओनली कंसेप्चुअल, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है मैथमेटिकल बिल्कुल आसान है ना, तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है या आपने क्वेश्चन दो मरतबा ये क्वेश्चन आपने निकाला है ना, एक ये क्वेश्चन आपने निकाला है बायोट सर्वेट ला में और एक निकाला है एम्पियर सर्किट ला में। क्वेश्चन क्या है कि इफ यू हैव गॉट ए करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग, करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है, तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा कि स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कल्स में होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, ओके, ये आपने देख लिया। अच्छा, अगर सर्कल में होता है, मान लेते इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल में है ऐसे, है ना, लेकिन जब सर्कल में है तो किसी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की, बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब ये भी मसला है, अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड चला है सर्कल्स में है तो सर्कल में ये मैग्नेटिक फील्ड क्या एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है या क्लॉक वाइज, उसके लिए भी आपने एक लॉ देखा, दैट वॉज राइट हैंड थंब रूल, अगर आपको याद होगा राइट हैंड, तो राइट हैंड थंब रूल वो तो सही है, कंडक्टर के गिरे स्ट्रेट कंडक्टर के गिरे मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में होगा, उसमें कोई शक है ही नहीं, वो हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा सर्कल्स में, सर्कल्स में। अब सर्कल में क्या ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगा या क्लॉकवाइज होगा, तो वो आप डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। मैं फिर से याद दिलाता हूं, आपने ये भी किया है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, इफ यू हैव गॉट दिस कंडक्टर, आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसके गिरे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो है सर्कल में, वो तो पता है, लेकिन क्या अब एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज जा रहा है, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बता दिया। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, याद दिलाता हूं कि आप इस कंडक्टर को ग्रिप करो अपने राइट हैंड में ऐसे, थंब को करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मान लेते हैं कि यही है डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि मेरे कंडक्टर में भी है यहां, है ना, तो अगर आपने थंब को किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो फिंगर जो कर्ल होगी ना ऐसे ऐसे फिंगर्स हो गई इंच क्लॉक में, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्हें जहां तक कर्ल आपकी फिंगर्स होगी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक, तो इसका मतलब है अगर इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड जा रही है नेगेटिव फील्ड सर्कल में होगा लेकिन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैंने यहां पर दिखा दिया, ये देखिए आप इसके जो सर्कल एक ही सर्कल मैंने, हालांकि इसके अंदर बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड हो, मैंने एक सर्कल दिखा दिया और इसमें मैंने दिखा दिया ये देखिए एरो आप, तो बिल्कुल मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा दिया एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अच्छा, अगर अब ये कंडक्टर जो है अगर इस कंडक्टर में करंट नीचे की जाने लगे, लेट मी सपोज ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसके गिर कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर से सर्कल में होगा लेकिन अभी एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज होगा, फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिप कीजिए इसको, इसको कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि आप डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की जा रहे हैं तो फिंगर उसको उस जानिब कर्ल हो गई, तो सीधी बात है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सर्कल में होगा लेकिन क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तो याद दिला तो आपको याद आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, बर्ड सर्वेट लॉ में पहला ही क्वेश्चन पढ़ा है बर्ड सर्वेट लॉ के बाद, अगर इसमें करंट चल रही आई, पूरा ध्यान रखना, यहां कोई पॉइंट है से एट ए डिस्टेंस और फ्रॉम दिस स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कर इनफाइनाइट लॉ, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कंडक्टर की वजह से, तो अगर आपको याद है आप एक्सप्रेशन बता सकते हैं। सो क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, तो दो जगह आपने क्वेश्चन निकाला है, तो मुझे बताइए वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, शाबाश, म्यू जीरो आई, जो कि करंट चल रही है आपके कंडक्टर में, याद रखना म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर, ठीक है, पाई आर जो है ये डिस्टेंस है आपके कंडक्टर के बीच में और उस पॉइंट के बीच में जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर की वजह से देखना चाहते हैं, तो ये एक्सप्रेशन मैं आज यूज करूंगा। तो चूंकि मेरा ये कंडक्टर, पहले मैं ये कंडक्टर ट्रीट करूंगा जैसे वो वाला कंडक्टर है ही नहीं, तो ये कंडक्टर बिल्कुल इसकी जगह लेगा, इसमें करंट आई चल रही है, इसमें आई वन चल रही है, इतना ही फर्क है ना।
तो यहां ये कंडक्टर है, ठीक। तो जब ये कंडक्टर है तो इसमें चूंकि करंट चल रही है I1, अब इसके विरुद्ध मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कल्स में। तो मुझे बताइए यहां पर कोई पॉइंट है, से पॉइंट P कहां पर, एट ए डिस्टेंस R, क्योंकि मैंने कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस R माना है। तो लेट मी सपोज यहां पर पॉइंट P है जो कि इस कंडक्टर पर है I2 पर, है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूं, मुझे बताइए इस पॉइंट पी पर जो कि और दूर है इस कंडक्टर से, तो इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस कंडक्टर कैरिंग करंट आई वन। तो यही क्वेश्चन बन गया ना कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर आई वन, है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा है B1, है ना। सो B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी व्हिच लाइज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर आई, सही। तो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन विल बी म्यू जीरो I1। I1 क्यों, क्योंकि इसमें करंट I1 चल रही, तो वहां तो करंट I चल रही। सो म्यू जीरो I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो R क्या है, R इस पॉइंट की, पॉइंट P की डिस्टेंस है फ्रॉम दिस कंडक्टर, और R हमारे लिए सेपरेशन भी है बिटवीन टू कंडक्टर्स, बात याद रखिए। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर, शाबाश, पॉइंट P पर। लेकिन इसी पॉइंट P से गुजर रहा है ना हमारा दूसरा कंडक्टर, तो इसका मतलब है हमारा ये जो दूसरा कंडक्टर है कैरिंग करंट I2 है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, इस मैग्नेटिक फील्ड जो इसने पैदा किया ना वो वाला कंडक्टर अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आता है दैट एक्सपीरियंसेस फोर्स, तो सही बात है ये वाला कंडक्टर जो है कैरिंग करंट I2 है, अब ये वाला कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया जो कि इस कंडक्टर ने प्रोड्यूस किया, तो वो वाला कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो वाला कंडक्टर, आई विल नेम दैट फोर्स एज एफ या F1। F1 तो ध्यान रखिए F1 क्या है, फोर्स एक्सपीरियंसड बाय, शाबाश, दिस कंडक्टर। चलो मैं नाम रखता हूं आपके लिए, इस कंडक्टर को मैं नाम रखता हूं AB, AB। इस कंडक्टर को मैं नाम रखता हूं CD। ओके, तो ये जो फोर्स F1 है ये कौन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, CD कंडक्टर, ठीक है ना। क्यों करता है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आता है करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो वो वाला कंडक्टर सीडी भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो वाला कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो वो वाला कंडक्टर सीडी जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये एक्सप्रेशन में यूज करूंगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ILV sin थीटा, वेयर I इज करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, जिस पर आपको फोर्स देखना है। तो मुझे इस कंडक्टर पर फोर्स देखना है, तो इस पर तो करंट चल रही है I2, तो इसलिए इस I के बदले आएगा I2। शाबाश, देन लेंथ ऑफ कंडक्टर, चलो हम मानते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर L ही है, देन मैग्नेटिक फील्ड भी जिसमें ये कंडक्टर है। अब क्योंकि मेरा कंडक्टर जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में B1 में, मैं लिखूंगा यहां पर B1 देन साइन। अब मसला है यहां सिर्फ इतना देखना है, बाकी बिल्कुल मैथमेटिकली बहुत आसान। थीटा क्या है, तो थीटा जो यहां पर है, थीटा यहां पर जवाब ना रही क्वेश्चन निकल रहा है, ये बेसिकली लेंथ ऑफ कंडक्टर यहां करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। अब जरा देखिए, ये है आपका कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, तो दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर दिस। अब देखते हैं इस लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, उसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई ये कंडक्टर जो है ये सीधी कंडक्टर, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो इसके बाहर अब इसके विरुद्ध जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इतना। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, वो AB कंडक्टर ने बनाया। जरा देखिए, ये AB कंडक्टर है, ओके, इसके गिर्द कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कल में। मान लेते हैं एक सर्कल है बिल्कुल जो इस पॉइंट पी से गुजर रहा है, पॉइंट पी से, ठीक है ना। तो पॉइंट पी पर क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड, मैंने भी बता दिया, इस स्ट्रेट कंडक्टर, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में है। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए आपको उस पॉइंट पर टेंजेंट डालना पड़ेगा। अब मसला है, टेंजेंट इस डायरेक्शन में डालेंगे या इस डायरेक्शन में डालेंगे, दैट इज द राइट हैंड थंब रूल से पहले आपको देखना है क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो मुझे बताइए इस कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना पॉइंट पी पर, जो कि मैग्नीट्यूड में इतना है, डायरेक्शन उसका क्या है,
इस कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया ना सर्कल में, वो आपने देखा अभी राइट हैंड थंब रूल से, क्योंकि डायरेक्शन पर ऊपर की जानेब है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है इसके गिर जो मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल ऐसे सर्कल में है और ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अंदर की जाए। तो इस पॉइंट पर पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी है ना, क्योंकि ये इसी सर्कल पर, ये जो इसके गिर मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में है ना, इसमें से एक सर्कल हम लेते हैं ये, इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उस पर आप टेंजेंट आइए वो बिल्कुल बोर्ड पर परपेंडिकुलर होगा और अंदर की जानिब होगा, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे मैंने एक सर्कल यहां दिखा दिया, ये देखिए ऐसा ही एक और सर्कल आप ड्रा कर सकते हैं इससे बड़ा कंसेंट्रिक, एक और सर्कल, और एक सर्कल ऐसा आएगा जिस पर पॉइंट पी होगा, तो पॉइंट पी पर टेंजेंट आइए आप उस सर्कल को, ये देखिए बिल्कुल ऐसे थ्री डायमेंशन चूंकि बोर्ड पर आप समझ नहीं सकते, सो दिस इज योर कंडक्टर ए बी, ए बी इसमें करंट ऊपर की जानिब जा रही है, इसके गिरत मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में होगा, ठीक। अब सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज, तो आप ये भी राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल किया, देखा ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉइंट पी पर क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो डालिए टेंजेंट, तो टेंजेंट कहां जाएगा बिल्कुल बोर्ड पर परपेंडिकुलर और अंदर की जाए, तो दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके ये देखिए, तो दिस इज योर कंडक्टर नाउ, दिस इज योर कंडक्टर नाउ सीडी, मुझे देखना है ना इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, ये आपका कंडक्टर सीडी है ये, ठीक, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी एंड डायरेक्टेड इनवर्स, जो आपने अभी देखा है, क्योंकि पॉइंट पी पर मुझे टेंजेंट डालना है वो तो अंदर की जानिब जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इस तरह इस कंडक्टर जिस पर आपको देखना है सीडी कंडक्टर, इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल जो आता है वो 90 डिग्री का आता है, ये देखिए 90 डिग्री का, सो दैट इज व्हाई यहां पर जो एंगल मैं लिखूंगा आई एल बी साइन थीटा, थीटा जो यहां एंगल है ना वो लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और ये जो कंडक्टर सीडी है क्योंकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो इतना होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन उसकी होगी पॉइंट पी पर टेंजेंट, तो जब वो पॉइंट पी पर टेंजेंट डालेंगे ना वो बोर्ड के अंदर चला जाएगा ना परपेंडिकुलर और बोर्ड के अंदर, तो जब वो परपेंडिकुलर जाएगा बोर्ड के अंदर तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ पर आएगा कंडक्टर सीडी की लेंथ पर परपेंडिकुलर, सो दैट इज राइट, यहां पर जो थीटा आएगा वो बिल्कुल 90 डिग्री आएगा, साइन 90, जस्ट लाइक दैट, तो आपका जो कंडक्टर है कौन राइट सीडी कंडक्टर, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, दैट इज आई टू, दैट इज एल, दैट इज बी वन, अब बी वन हमने ऑलरेडी मालूम किया है कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर, यानी उस कंडक्टर सीडी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो किसने बनाया, इस कंडक्टर ने बनाया, तो कितना है वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो कंडक्टर है, तो दैट इज बी वन, दैट इज गिवन बाय म्यू जीरो आई वन डिवाइडेड बाय दैट इज टू पाई आर, तो साइन 90 चूंकि वन होता है तो यहां पर आएगा वन, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ओके। इसके बाद मेरा मसला हल हो गया, तो मैंने देख लिया कि ये वाला कंडक्टर जो है सीढ़ी इस पर कितना फोर्स आएगा ड्यू टू दिस कंडक्टर, तो कितना फोर्स आएगा, दैट इज मैं इसको ऑर्डर में लिखता हूं, पहले आई वन फिर आई टू, दैट इज पहले म्यू जीरो लिखते हैं, म्यू जीरो फिर आई वन आई टू, आई वन देन आई टू डिवाइडेड बाय दिस टू पाई आर, टू पाई आर, और साथ में रहेगा ये एल, और ये सब आएगा न्यूटन में है ना, फोर्स है एक। अच्छा अब एक और मसला खड़ा हो गया सर, ये फोर्स आ गया इस कंडक्टर सीडी पर, इस कंडक्टर की वजह से, ए बी की वजह, अब ये फोर्स इतना आ गया उस कंडक्टर पर, अब उस फोर्स की वजह से वो कंडक्टर सीडी यहां की जानिब आएगा या वहां की जानिब जाएगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव होगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन मुझे देखनी है, और ये क्वेश्चन भी आपने किया बिल्कुल, आपने यहां किया है इसी क्वेश्चन में आपने किया है कि इस पर मैक्सिमम फोर्स कब होगा इस कंडक्टर पर, When theta is 90, और वही बात यहां भी होगी, तो इसलिए ये जो आप पर फोर्स, ये जो आपके कंडक्टर फोर्स है मैक्सिमम है, और जब फोर्स मैक्सिमम होता है ना तो आपको पता है डायरेक्शन कौन देता है उस फोर्स की, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसी वक्त चूंकि हमारे यहां भी थीटा 90 है तो इस फोर्स की डायरेक्शन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके इस्तेमाल करूंगा, और आपको पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, अपनी लेफ्ट हैंड की तीन फर्स्ट फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो, जैसे मैंने किया, ये वाला फिंगर क्या दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दिखाता है करंट की डायरेक्शन, और ये वाला थंब
मुझे जानने जाएगा, ये दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन। जरा देखिए ये जो फोर्स F1 है ना, F1, मुझे यही देखना है कि ये इस कंडक्टर पर जो ये फोर्स F1 है, क्या ये इस जानिब है ये F1, इस जानिब या उस जानिब है। तो मैंने दिखा दिया इस जानिब है, देखिए क्यों इस जानिब है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। जरा देखिए, तो ये मैं करूंगा, ये कहां की जानिब, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा है ना पॉइंट पी पर कैसे है, कैसे है, टेंजेंट परपेंडिकुलर एंड इनवर्स है ना। तो याद रखना ये मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जानिब करूंगा, ठीक है ना। तो ये मैं करंट की जानिब करूंगा, वो जहां थम जाएगा ये दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन पहले इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। जरा देखिए ये देखिए है ना, तो ये वाला जो फिंगर है, ये वाला फिंगर आप देख सकते हैं, ये वाला फिंगर जो है ये गया मैग्नेटिक फील्ड की जानिब, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड पर परपेंडिकुलर डायरेक्टली इनवर्स, जो कि मैंने दिखा दिया पॉइंट पी पर जो टेंजेंट डाला, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, ये देखिए आप आई टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब कहां की जानिब हो गया, ये देखिए ना, थंब उसी जानिब हो गया जो मैंने आपको दिखा दिया एफ1 की डायरेक्शन। तो हमने ऐसे ही तुक्का नहीं लगा दिया, तो सीधी बात है जो करंट कैरिंग कंडक्टर सीधी है ना, इस करंट कैरिंग कंडक्टर सीडी पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है ना, वो फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इतना है F1, लेकिन डायरेक्शन उसकी है बिल्कुल इस जानिब, यानी इस कंडक्टर की जानिब। इसका मतलब ये कंडक्टर इसको करेगा अपनी जानिब अट्रैक्ट, है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप लिखेंगे कि ये जो यहां पर फोर्स होगा ऑन कंडक्टर सीडी ड्यू टू कंडक्टर AB, तो दिस फोर्स इज डायरेक्टेड एज शोन इन द फिगर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, पहले ये कंडक्टर लिया ना, ये कंडक्टर इसने बनाया मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, इस कंडक्टर पर पॉइंट इतना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आया ये कंडक्टर, तो इसने किया फोर्स एक्सपीरियंस। अब उल्टा जाएंगे, अब लेंगे ये कंडक्टर, जैसे मान लेते हैं हम पहले से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमने लिया ये वाला कंडक्टर, तो इसमें भी करंट चल रही है। अब ये भी अपने गिर्द बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंडक्टर अब आएगा इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये भी करेगा फोर्स एक्सपीरियंस बिल्कुल जैसे इसने किया। वो फोर्स भी जब हम देखेंगे, ठीक है ना, हालांकि मैग्नीट्यूड में वो फोर्स बिल्कुल इतना ही होगा। ये देखिए क्यों इतना ही होगा, क्योंकि आई वन आई टू पर डिपेंड करेगा वो फोर्स, तो आई वन आई टू दोनों में सेम है ना, डिस्टेंस भी दोनों के बीच में सेम रहेगी, तो फोर्स। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन भी दिखानी है उस फोर्स की, सो दैट इज वाई मैं उसके लिए भी एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहां पर ये कंडक्टर मैं अभी ट्रीट कर रहा हूं सीडी, अभी मैंने इससे पहले ए बी किया था, ए बी से देखा था कितना फील्ड बनेगा पॉइंट पी पर। अब मैं मानता हूं सीडी कंडक्टर, अब सीडी कंडक्टर के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सर्कल, ओके, ठीक है ना। तो मैं यहां पर अब पॉइंट पी लेता हूं, जो मैंने अभी पहले यहां लिया था इस कंडक्टर में, अब मैं यहां लेता हूं। आपको जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे सिमिलरली टर्म्स, ठीक है ना, लेकिन मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, इसके बाद आप सिमिलरली लिख सकते हैं इस कंडक्टर भी इतना मैग्नेटिक फोर्स होगा, है ना। लेकिन फिलहाल आप देखिए, तो ये वाला कंडक्टर जो है ठीक, अभी ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, क्योंकि पहले मैं देखता हूं कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने के, है? तो कंडक्टर ये मैंने अब ट्रीट करना है सीडी, इसमें करंट चल रही है आई टू, है ये मैंने पॉइंट पी लिया, अब ये वाला पॉइंट पी, अब मैं यहां पॉइंट पी नहीं लेता, तो मुझे बताइए इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, विचलाइज एट ए डिस्टेंस और नाउ फ्रॉम दिस कंडक्टर, तो इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल ये होगा म्यू जीरो टाइम्स करंट डिवाइडेड बाई टू पाई आर। तो मुझे बताइए इस वक्त मेरा ये कंडक्टर जो है शबाश, इसमें करंट कितनी चल रही है आई टू, है ना, तो इस पॉइंट पी पर जो कि आर दूर है, इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू जीरो आई टू डिवाइडेड टू पाई आर, इतना ही है। तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दैट करंट कैरिंग कंडक्टर सीडी, आई विल नेम दैट एज बी टू आपके लिए, सो इट इज बी टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर सीडी। क्वेश्चन है ना भाई जो अभी यहां लिखा है, सॉरी जो हमने यहां क्वेश्चन किया वर्ड्स ऑफ लॉ में, कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है वहां पर कोई पॉइंट है से एट ए डिस्टेंस r, तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रेट कंडक्टर बनाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्वेश्चन है। सो दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर सीडी कैरिंग करंट आई टू, तो दिस इज पॉइंट पी, सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दैट करंट कैरिंग कंडक्टर सीडी,
आई विल यूज दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने अर्ली वर्स और लॉ में किया है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर ड्यू टू कंडक्टर सी डी, आई विल नेम दैट वी टू। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन दैट विल बी म्यू जीरो टाइम्स, म्यू जीरो टाइम्स करंट, अब क्योंकि मेरे कंडक्टर में इस वक्त करंट आई टू है, डिवाइडेड बाई टू पाई टाइम्स डिस्टेंस कितना है पॉइंट का करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो मेरा पॉइंट जो है ये लाई करता है कि डिस्टेंस आर हम कंडक्टर सी डी, ठीक है ना, इसलिए यहां भी आ आएगा। आई विल कॉल दिस इक्वेशन थ्री। अब इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है जो सी डी ने बना दिया है ना, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब आपका ये वाला कंडक्टर ए बी, ए बी इस मैग्नेटिक फील्ड का, तो बन गया ये क्वेश्चन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक, दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस जैसे उस कंडक्टर ने फोर्स एक्सपीरियंस, अब ये वाला कंडक्टर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये आ गया आप उसके मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आई कॉल दैट एफ टू। ओके, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई कंडक्टर, टेंपल इज देगा मैग्नेटिक फील्ड, करंट टाइम्स लेंथ टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन एल एंड डी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। तो ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये कंडक्टर, उसको मैंने एफ टू नाम दिया अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन आई। आई हो गया करंट कितना चल रहा है उस कंडक्टर में जिस पर आप फोर्स देखते हैं, तो मैं चूंकि इस कंडक्टर पर फोर्स देखता हूं तो इसमें करंट चल रहा है आई वन, है ना, सो दैट इज आई वन, देन एल व्हिच इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये आपका कंडक्टर है, तो मेरा कंडक्टर ये भी है, ये किस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया जो उस कंडक्टर ने पैदा किया, वो तो ये है, दैट इज बी टू, दैट इज आई वन एल बी टू देन साइन। अब मसला यहां पर है कि थीटा क्या है, तो थीटा क्या है, ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है या डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है पॉइंट पी पर, मैं फिर से बताता हूं, एंगल फिर से 90 होगा, लेकिन देखिए कैसे, इस वक्त मेरा कंडक्टर ये है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो इसके गिरे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ये देखो यह आपका कंडक्टर सी डी, इसमें करंट ऊपर की जाने चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना, इसके गिरे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कल में ही होगा, लेकिन जरा देखिए सर्कल में कैसे, बिल्कुल ऐसी है, तो सर्कल में कैसे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल करो, सॉरी दिस क्या बोलते हैं इसको, थंब रूल इस्तेमाल करो, राइट हैंड थंब रूल जैसे आप करते हैं, सो ये डायरेक्शन आप करंट शो करता है, तो फिंगर देखिए कैसे कर लोगे ऐसे, तो वही डायरेक्शन यहां मैं दिखाता हूं, ये देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके गिरे मैग्नेटिक फील्ड जो है, अच्छा बात कंडक्टर सीडी है, सीडी इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया सर्कल में, एक सर्कल ऐसे आएगा ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जो कि पॉइंट पी है यहां पर, ठीक है ना, तो मान लेते हैं एक सर्कल ऐसा है जिस पर ये पॉइंट पी आता है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ट्रायंगल ड्रा करेंगे, तो जब आप ट्रायंगल ड्रा करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, तो इस पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करेंगे ना पॉइंट पी पर, ठीक है ना, वो जाएगा परपेंडिकुलर ऑन द बोर्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू पीपल, बिल्कुल परपेंडिकुलर लेकिन आपकी जानिब डायरेक्टेड होगा। अभी इससे पहले इस पॉइंट पर क्या था, जो इस पॉइंट पर जो यहां पर पॉइंट पी था वहां भी परपेंडिकुलर पर डायरेक्टली इनवर्स, लेकिन खुद ही देखिए इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बना दिया पॉइंट पी पर सर्कल में, सर्कल और एक सर्कल आप ले आए जिस पर पॉइंट पी होगा, अब पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमें टेंजेंट ड्रा करना है, लेकिन जब आप इस सर्कल पर इस पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, है ना, क्योंकि आपको उस जाने ड्रा, इस जाने नहीं, क्यों इस जाने क्यों नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता है एंटी क्लॉकवाइज, अभी आपने राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल किया ना, ऐसे आता है मैग्नेट, तो पॉइंट पी पर जो टेंजेंट होगा वो होगा परपेंडिकुलर ऑन द बोर्ड, इस बोर्ड पर पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू पीपल, इसका मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉइंट पी पर, ये तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, एल और बी के बीच में एंगल फिर से 90 डिग्री आएगा इस पॉइंट पर, जैसा है ना, इसलिए यहां पर हम फोर्स जो देखेंगे कि हमारा जो कंडक्टर ए बी है इस पर जो फोर्स एफ टू है वो होगा I1 L B2 sin 90 according to this relation, है ना, तो ये जो फोर्स होगा F2 this will be I1 L B2 क्या है, B2 यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें मेरा कंडक्टर A भी आता है, तो B2 इतना है, that is mu 0 that is I2 divided by 2 pi r sin 90 हो गया वन, है ना, इसको मैं एक तरीके में लिखता हूं, सो एफ टू विल बी इक्वल टू पहले म्यू जीरो फिर आई वन, सॉरी यहां आई वन है ये दैट इज आई वन आई टू दैट इज आई वन दैट इज आई टू डिवाइडेड बाय
that is 2 pi r. I will call this as equation 3, equation 4 rather. So equation यहाँ देखिए 2 देखिए और 4 देखिए equation है. तो ये जो f पर है, this is force on CD due to AB. What is force on AB due to CD? वो मैंने लिखा दिया F2 इतना होगा, लेकिन direction मुझे बताइए. तो इस पर जो फोर्स होगा मैक्सिमम ही होगा, है ना? ये तो मैक्सिमम फोर्स है. क्यों? आपने यहाँ थीटा लगाया ना 90, तो इसलिए इस पर जो फोर्स होगा, ये किस पर फोर्स है F2? ये कंडक्टर AB पर फोर्स है, है ना? अब डायरेक्शन क्या है उस फोर्स का? क्या वो राइट साइड डायरेक्टेड है वो F2 या लेफ्ट साइड? फिर से मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि फिर से फोर्स मैक्सिमम है और मैं जाता हूँ ऐसे कंडक्टर AB के लिए, है ना? देखिए ये डायरेक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड. अब मैं ठीक दिखा रहा हूँ या गलत? मैं गलत दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस पर अभी आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पर क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू पीपल, तो ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने गलत दिखा, तो मुझे ऐसे करना है. ये देखिए, व्हाट अबाउट दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो कि पॉइंट पी पर है, आपकी जान डायरेक्टेड परपेंडिकुलर ऑन द बोर्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू पीपल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये देखिए, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की जा रही है. अब देखिए थंब कहां गया, तो बिल्कुल इस जानब गया ना थंब, तो इस फोर्स की डायरेक्शन इस जानब होगी, जो कि कंडक्टर ए बी पर फोर्स है ना एफ टू, इस जानब डायरेक्टेड होगा. और मैं आपको वो दिखा रहा हूं, ये देखिए, सो दिस इज योर एफ टू व्हिच इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट विल हैपन, तो ये वाला कंडक्टर जो पहले ए बी था, ये इस कंडक्टर सी डी को अपनी जानब खींच रहा था, और ये कंडक्टर सी डी जो है इस फोर्स को देखिए एफ टू, तो ये सी डी कंडक्टर भी ए बी को अपनी जानब खींच रहा है. तो मतलब ये दो कंडक्टर जो फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं, वो फोर्स तो मैंने मालूम कर दिया F1 और F2, है ना, है? कि AB कितना फोर्स लगाएगा CD पर, CD कितना फोर्स लगाएगा AB पर, that is given by equations 2 and 4. लेकिन शक्ल में आपने देखा कि ये फोर्स जो है ये बिल्कुल इन कंडक्टर्स के बीच में अट्रैक्टिव होगा, इतना तो होगा फोर्स इन कंडक्टर्स के बीच में, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो आपने फिगर में देख लिया, ठीक है ना. तो याद रखिए आप कि जब दो कंडक्टर होंगे पैरेलल कंडक्टर, अगर इनमें करंट एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ये देखिए जो कि है यहां पर एक ही डायरेक्शन में करंट चल रही है, सो इनमें के बीच में जो फोर्स होगा वो तो इतना होगा, वो तो मुझे पता है ना, बट दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर. तो याद रखिए, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा, यानी दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, अगर उनमें करंट एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो वो कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे के नजदीक आएंगे. और इसका उल्टा भी होता है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स है, मान लेते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की जा रही है, इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की जा रही है, करंट ही चल रही है, इसमें आई वन है, इसमें आई टू है, सेपरेशन भी है, इनके बीच में कितना फोर्स होगा? बिल्कुल यही फोर्स होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, करंट आई वन और आई टू है, डिस्टेंस आ रही है, लेकिन फर्क किस में होगा? नेचर में. तो ये फोर्स जो था, ये अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को ये कंडक्टर, जब उनके बीच में करंट जो था वो एक ही डायरेक्शन में था. तो अगर दो करंट का एक कंडक्टर है, अगर उनके बीच में करंट जो है वो डिफरेंट है, उन कंडक्टर्स के बीच में फोर्स इतना ही होगा, बट दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव. तो मतलब कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स है कैरिंग करंट, बट इफ दे कैरी करंट इन रिवर्स डायरेक्शन, देन दे रिपल ईच अदर, उसको जो वो कंडक्टर वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मीन्स वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है. तो इक्वेशन 2 और 4 को देखिए, सेम एक्सप्रेशन म्यू 0 आई 1 आई 2, यहां एल भी है ना, वो एल हमने नहीं लिखा है, ये वाला एल देखिए, वो एल हमने नहीं लिखा है. इक्वेशन 4, हां इक्वेशन 2 और 4 देखिए, तो दिस इज फोर्स ऑन कंडक्टर, चला सीडी, ये सीडी कंडक्टर पर फोर्स है ड्यू टू एबी, ये एबी कंडक्टर पर फोर्स है ड्यू टू सीडी. फोर्स एक्सप्रेशन देखिए बिल्कुल सेम, इसका मतलब है ये कंडक्टर जितना फोर्स इस पर लगाएगा, तो ये कंडक्टर भी उतना फोर्स इस पर लगाएगा, तो दीज फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं है ना. लेकिन आपने देखा अभी डायरेक्शन की बुनियाद पर कि ये दो फोर्स एक दूसरे को, इनकी वजह से ये कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन. ओके, अच्छा, तो इसके बाद एफ वन लीजिए आपने, एफ टू लीजिए, क्योंकि ये जो फोर्स एफ वन लगाएगा ए बी लगाएगा सी डी पर, उतना ही फोर्स सी डी लगाएगा ए बी पर, जो कि इविडेंट है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं होती है. इनमें से आप एक लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो एक इक्वेशन पर हम कंसंट्रेट करेंगे.
So let me name the force now F. Neither F1 nor F2, we'll say F. Now what is that F? It is a force of attraction between two conductors, between two parallel conductors carrying current in the same direction. है ना? तो इनके बीच में कितना फोर्स होगा? That is mu zero I1 I2 divided by 2 pi r L. तो ये किस में आएगा? न्यूटन में, है ना? न्यूटन में आएगा. तो ये कौन फोर्स एक्सपीरियंस करता है? CD एक्सपीरियंस करता है. किसकी वजह से? AB की वजह से. या AB एक्सपीरियंस करता है. किसकी वजह से? CD की वजह से. So this is the force between two parallel conductors carrying that. But this is force experienced by the whole conductor. यानी ये पूरा कंडक्टर CD, जितना भी इसका लगता है, पूरा कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना? अच्छा मुझे बताइए, इस कंडक्टर का यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? तो मुझे इस फोर्स को डिवाइड करना है इस कंडक्टर की लेंथ से. दैट विल गिव मी फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द होल कंडक्टर. नाउ आई कैलकुलेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो आप बोलते हैं फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ. यही हो गया ना कि आपका कंडक्टर जो है, चाहे सीडी है या एबी है, इनका यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स आ गया. तो आ गया फोर्स पूरे कंडक्टर पर, क्योंकि पूरी लेंथ आ गई यहां, है ना. तो अब इस कंडक्टर सीडी की या कंडक्टर एबी की यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स आ गया दूसरे कंडक्टर की वजह से, है ना, यूनिट लेंथ पर. याद रखना, क्योंकि ये मुझे इसके बाद मुझे डेफिनेशन आपको बतानी है व्हाट यू मीन बाय 1 एंपियर करंट. क्योंकि आपने 1 एंपियर का डेफिनेशन दूसरी यूनिट में भी दे दिया जब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, लेकिन यहाँ पर मुझे एम्पियर की डेफिनेशन देनी है इसी क्वेश्चन की भी याद है ना. तो उसमें मुझे ये पॉइंट जरूरत आएगा. तो ये जो मैं एक्सप्रेशन अब निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंसड पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो दिस इज फोर्स एक्सपीरियंसड बाय द होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. नो आई एम कैलकुलेटिंग फोर्स एक्सपीरियंसड पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर. ये है फोर्स एक्सपीरियंसिंग. मैं डिवाइड करूंगा इसको लेंथ ऑफ कंडक्टर. आई विल गेट फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ, है ना. सो आई विल गेट म्यू जीरो आई वन आई टू बाय टू बाय आर एल, है ना. ये अपनी एक्सप्रेशन इस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर. आई विल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो आई विल गेट फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यानी इन कंडक्टर्स की यूनिट लेंथ कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. यूनिट क्या आएगा यार? अब न्यूटन तो नहीं आएगा, इसका आ गया न्यूटन, ये तो फोर्स है. इसका आ जाएगा डिवाइड बाय मीटर. सो न्यूटन पर मीटर आएगा, यूनिट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन आ रहा है ना. सो अब ये एल और एल कैंसिल हो गया. सो आपको जो एफ मिल गया, तो दिस इज म्यू जीरो आई वन आई टू डिवाइडेड बाय टू बाय आर न्यूटन. This is force experienced, not by the whole conductor. This is force experienced per unit length of the conductor. Now, if the conductors are parallel and are carrying current in the same direction or opposite direction, same direction में हो गया, आपको इतना ही force experience करेगा per unit length. लेकिन nature different होगा. अगर एक ही direction में current चल रही है, तो attractive force होगा. अगर different direction में चल रही है, तो repulsive force होगा. Okay? So definition of 1 ampere, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो इसमें डेफिनेटली पूछा जाएगा. अगर ये क्वेश्चन आएगा, तो इसमें डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आप बैद में एक एम्पियर करंट क्या हो गया, उसको डिफाइन करो. तो ये एक एम्पियर करंट का डेफिनेशन आपने ऑलरेडी दिया है, ठीक है. लेकिन जब आपने दूसरा यूनिट पढ़ाया, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर आपने एक एम्पियर को एक तरीके से डिफाइन किया है. जैसे मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ, आपने देख लिया कि करंट जो होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, याद है आपको. फिर आपने ये भी मान लिया था, ये भी मान लिया था. ओके, आपको करंट मिल गया था 1 एम्पियर. फिर आपने बता दिया कि 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है कि अगर एक कॉलम चार्ज एक सेकंड में चले किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में से, तो वहां पर करंट होगा 1 एम्पियर. तो वो भी एक डेफिनेशन था डेफिनेटली. अगर आपको ऐसे बोला जाएगा कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है ना, आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर आपको खसूसी तौर बोला जाएगा इस क्वेश्चन के बाहर, ये जो क्वेश्चन आपने किया है,
इसके बाद आपको बोला जाए कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो आपको वो वाली डेफिनेशन मतलब नहीं चाहिए 1 एम्पियर की, तो आपको इसी एक्सप्रेशन को यूज करके जो आपने फोर्स निकाला बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स के लिए करंट, तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करके आपको 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है। अब जरा देखिए कैसे करेंगे। आपको याद है हमारा क्वेश्चन, ये ए बी और सी डी हमारे दो कंडक्टर है, इनमें करंट चल रही है, इनमें करंट एक ही डायरेक्शन में भी हो सकती है, रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती है। अभी कंडक्टर्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर वो आपने अभी निकाला। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट पर यूनिट ऑफ देयर लेंथ, ये याद रखना ठीक है ना। तो दिस इज द फोर्स जो हम बात कर रहे हैं, तो यहीं से मुझे 1 एम्पियर करंट डिफाइन करना है। तो ये I1 और I2 क्या है, मेरी जो दो कंडक्टर्स है पैरेलल कंडक्टर्स, ये एक कंडक्टर में करंट चल रही है, ये दूसरे कंडक्टर में करंट चल रही है, ये r इनके बीच में डिस्टेंस है। न्यू जीरो बताता है कि मेरे जो दो कंडक्टर्स है ये फ्री स्पेस में है, ये वैक्यूम में है, आप याद रख चुके डेफिनेशन में ये आएगा ठीक है। तो यहां पर मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करता हूं 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए, तो ये जो दो करंट्स है I1 और I2 है क्या ये करंट्स, ये डेफिनेशन में आएगा, ये करंट्स है मेरे कंडक्टर्स में जो करंट चल रही है, जो कि पैरेलल कंडक्टर्स है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इनमें जो करंट चल रही है I1 और I2, मैं दोनों करंट्स को रखूंगा 1 एम्पियर के बराबर। पहले मुझे यही 1 एम्पियर डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर करंट कितना करंट है, so I put I1 equal to I2 equal to 1 एम्पियर ठीक, यानी मैं मानता हूं कि मेरे दोनों कंडक्टर्स जो पैरेलल है उनमें दोनों में 1 एम्पियर करंट जा रहा है। अब मुझे लास्ट पर वही एम्पियर डिफाइन करना है, तो मैं मानता हूं r 1 मीटर है, यानी जो सेपरेशन है दो कंडक्टर्स पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में ये r, ये मैंने 1 मीटर लिया क्योंकि मुझे यूनिट डिफाइन करना है, दैट इज व्हाई। सो f मुझे क्या मिलेगा, ये f मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा μ0 by 2π, क्योंकि ये भी आएगा 1, ये भी आएगा 1 और ये भी आएगा, और ये मुझे मिलेगा न्यूटन पर मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर। म्यू जीरो आपको पता ही है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मैग्नेटिक, तो इसका वैल्यू आपको पता है, दैट इज 4π × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2π, ये देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 2s are, आपको f मिला इतना। ये फोर्स क्या है, ये आपके दो कंडक्टर्स के बीच में फोर्स है, पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में, लेकिन पर यूनिट ऑफ देयर लेंथ, है ना। लेकिन कब इतना फोर्स कब होगा आपकी कंडक्टर्स की पर यूनिट लेंथ पर, जब आपने दोनों कंडक्टर्स में कितनी करंट चलाई, 1 एम्पियर। तो दैट इज व्हाई यही डेफिनेशन हम यूज करेंगे 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए। अब जरा देखिए इन सब्स्टिट्यूशंस की बुनियाद पर 1 एम्पियर करंट अब क्या हो गया, देखिए जरा बिल्कुल इनको याद रखें जो हमने सब्स्टिट्यूशंस किए। दस 1 एम्पियर इज दैट मच करंट, दिस 1 एम्पियर इज दैट मच करंट which were flowing through each of the two parallel uniform conductors, yeah, मैंने दोनों में लिया ना 1 एम्पियर है, which were flowing through each of the two parallel uniform straight conductors, शाबाश, placed in free space, ये देखिए आप placed in free space at a distance of 1 meter, ठीक है ना, from each other, हाँ, अभी पर कितना फोर्स आएगा इस करंट की वजह से इनके यूनिट लेंथ पर, विल अट्रैक्ट और रिपल, क्योंकि इनके बीच में ये फोर्स जो होगा ना, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी होगा रिपल्स भी होगा, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी है, विल अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, विल अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ दिस जो आपको मिला 2 × 10⁻⁷ विद ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ, पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। तो बिल्कुल जो आपने सब्स्टिट्यूशंस यहां पर की है, कंडीशंस यहां पर लगाई, इन्हीं कंडीशंस को यूज करना है यहां पर, और आपको 1 एम्पियर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए इन सब्स्टिट्यूशंस की बुनियाद पर, 10 1 एम्पियर इज दैट मच करंट है ना, विच वेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द टू पैरेलल कंडक्टर्स, क्योंकि दोनों में मैंने 1 एम्पियर लिया, ठीक है ना, ईच ऑफ द टू पैरेलल यूनिफॉर्म स्ट्रेट कंडक्टर्स प्लेस्ड इन फ्री स्पेस बिकॉज म्यू जीरो है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर विल अट्रैक्ट और रिपल, कितना अट्रैक्ट रिपल करेगा, ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ जो आपको मिला 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर। So this is all about this question. Question जो है ये बहुत important है from examination point of view. और अगर ये question पूछा गया कि calculate expression of force between two parallel conductors carrying current, तो साथ में definitely आएगा definition of 1 ampere साथ में define करने